प्रदेश के आयुष चिकित्सकों के साथ आज के संवाद कार्यक्रम में मेरे साथ जुड़े हुए प्रदेश के आयुष मंत्री डॉक्टर धर्म सिंह सैनी जी, अपर मुख्य सचिव आयुष श्री प्रशांत त्रिवेदी जी, अपर मुख्य सचिव सूचना श्री नवनीत सहगल जी, हमारे साथ आज इस संवाद के कार्यक्रम में जुड़े हुए सभी प्रदेश के हमारे आयुष चिकित्सकगण, मैं सबसे पहले आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं कि कोरोना कालखंड में प्रदेश की जनता को बेहतर सुविधा और सुझाव देने के लिए राज्य सरकार के साथ स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर के आपका जो सहयोग मिल रहा है, इसके लिए मैं आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं, साधुवाद व्यक्त करता हूं। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि जब कोरोना की पहली लहर आई थी तो उस दौरान हम लोगों ने जब आयुष विभाग से इस बारे में कहा था कि जनता के बीच में व्यापक जागरूकता और हमारी परंपरागत जो पेथी है उस पेथी को आगे बढ़ाते हुए हम जनता में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्या कदम उठा सकते हैं, इसमें हमारे प्रदेश के आयुष चिकित्सकों ने बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन किया था। चाहे वह आयुष कवच ऐप के माध्यम से पब्लिक में अवेयरनेस पैदा करने का रहा हो या फिर आयुष काढ़ा को घर घर तक वितरण करने का कार्यक्रम रहा हो, ये बहुत अभिनंदनीय कार्य रहा, इसकी सर्वत्र प्रशंसा हुई और सभी लोगों ने इसको बहुत अच्छे ढंग से लिया भी। मैं भी आयुष के क्षेत्र में काम करने वाले कुछ लोगों की बातों को सुन रहा था, उस फील्ड के विशेषज्ञों की बातों को सुन रहा था। यद्यपि आप में से सभी आयुष चिकित्सक अपने अपने क्षेत्र में कुछ नया किए हैं, मैं सबकी बात को सुनना चाहता था, लेकिन समय की बाध्यता आपके सामने भी है, मेरे सामने भी है। लेकिन अगर हम लोग अपने अपने फील्ड में काम करेंगे तो जनता से हमारे पास सारी फीडबैक भी आते हैं, कहाँ पे कौन व्यक्ति क्या कर रहा है। और बहुत अच्छे सुझाव दिए हैं डॉक्टर नीरज खन्ना, डॉक्टर सुरेंद्र चौधरी, डॉक्टर एस एन सिंह, डॉक्टर आदित्य पारिक, हकीम मोहम्मद असफाक, हकीम सैयद मोहम्मद नागरामी, यानी ये सभी लोगों ने बहुत अच्छे सुझाव, परंपरागत पेथी से जुड़े हुए छोटे छोटे नुस्खे जो आसानी से लोगों के लिए उपलब्ध हो सकते हैं, थोड़ा प्रयास करके कैसे हम अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं, कैसे हम आरोग्यता को प्राप्त कर सकते हैं, कैसे हम निरोगी काया को प्राप्त कर सकते हैं, इस दिशा में एक बेहतर प्रयास आपके स्तर पर और आपके द्वारा बताए गए सुझाव के आधार पर है। मैं एक तस्वीर आपके सामने रखना चाहता हूं। प्रदेश के अंदर जब पहली लहर आई थी तब हम लोगों ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश के अंदर एक वातावरण बना करके जो कार्यक्रम प्रारंभ किए थे उसके बहुत अच्छे परिणाम सामने आए थे। भारत सरकार का मार्गदर्शन था, राज्य सरकार इसमें आपके साथ मिलकर के कार्य कर रही थी और पहली लहर में जो पीक था उस समय हमारे यहां केवल 68,000 केसेज आए थे, कुल एक्टिव केस 68,000 तक पहुंचे थे और प्रतिदिन केस आ रहे थे वे 7,500 तक पहुंचे थे। हम लोगों ने आप सभी के सहयोग से, जितने भी हमारे हेल्थ वर्कर हैं, चिकित्सक हैं, एलोपैथ के हैं, होम्योपैथ के हैं, आयुर्वेद के हैं या फिर यूनानी के हैं या अलग अलग फील्ड में काम करने वाले लोग हैं, जितने हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं, कोरोना वॉरियर्स हैं, स्वयंसेवी संगठनों के साथ मिलकर के हम लोगों ने देश के अंदर बेहतर परिणाम देने का प्रयास किया था और उसको हम उसमें हम सफलता हमें प्राप्त हुई थी। सरकार लगातार काम करती रही, केंद्र सरकार भी प्रदेश सरकार भी। सेकेंड वेव आई तो सबसे पहले लोगों के दिलो दिमाग में बात रखने की आवश्यकता है, ये कोरोना महामारी है, ये
सामान्य फीवर नहीं है, सामान्य बुखार नहीं है कि जिसको हम हल्के से लेकर के और फिर व्यवस्था पर टिप्पणी करना शुरू करें। एक महामारी से हम जूझ रहे हैं। आप इस बात को अनुभव कर रहे होंगे कि किसी भी हॉस्पिटल में जहां पे बीमारी बढ़ रही है, जहां पहले 500 मरीज भर्ती होते थे, उस हॉस्पिटल में आज की स्थिति क्या है कि पहले 500 मरीज वहां भर्ती होते थे तो उसमें 30-40 लोग ही ऐसे होते थे जिनको ऑक्सीजन की आवश्यकता होती थी, उसमें भी 15 से 20 ऐसे लोग होते थे जिनको वेंटिलेटर की आवश्यकता होती थी, शेष सामान्य बीमारियों से ग्रसित होते थे, 2 दिन 4 दिन 5 दिन 7 दिन हॉस्पिटल में भर्ती होते थे, दवा और डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में वे स्वस्थ होकर के घर के लिए निकल जाते थे। इस समय क्या है, नॉन कोविड कोई पेशेंट उन हॉस्पिटल्स में भर्ती नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा, आज के दिन पे जहां केवल 30-40 लोगों को 30 से 35 लोगों को हम ऑक्सीजन देते थे, आज वो संख्या ठीक उल्टी है। आज अगर कोई कोविड हॉस्पिटल है तो उस कोविड हॉस्पिटल में 500 बेड हैं तो 500 में से 450 ऐसे लोग हैं जिन लोगों को हम लोगों को ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ रही है। हमारे पास जितने वेंटिलेटर हैं, जितने HFNC हैं, उन सबको हमें किसी न किसी मरीज को लगाना पड़ रहा है और मरीज पूरी तरह से हमारे वेंटिलेटर, HFNC या इस दिशा में जो भी प्रयास ऑक्सीजन से जुड़े हुए जितने भी सुविधाएं हैं, अधिकतर मरीज उनमें भरे पड़े हैं। तो स्वाभाविक रूप से मरीजों की संख्या बढ़ी है, सरकार ने संसाधन बढ़ाए। आप अनुमान करिए, जब प्रदेश के अंदर कोरोना का पहला केस आया था आगरा में, तब प्रदेश में जांच की कोई सुविधा नहीं थी, तब हम लोग जांच करवा रहे थे NIB पुणे से। और आज के दिन पर, हम आज ही के दिन अगर मैं आपको बताऊं तो आज के दिन हम लोगों ने 225,312 टेस्ट किए हैं। 24 घंटे में 225,000 से अधिक टेस्ट हम लोगों ने एक दिन में किए, यानी ये क्षमता प्रदेश के अंदर विकसित हुई। भारत सरकार का योगदान रहा, राज्य सरकार ने अपने संसाधनों से भी कुछ लैब्स बनाई, भारत सरकार के सहयोग से भी कुछ लैब्स बनाई, हमने यहाँ पे मैन पावर को ट्रेंड किया और उसका परिणाम है कि आज हम 225,000 से अधिक लोगों को यहाँ पर उपचार की सुविधा उपलब्ध करवा रहे हैं। ऐसे ही बेड्स की स्थिति है। जब कोरोना का पहला केस आया था तो हमें मरीज को भेजना पड़ा था दिल्ली सफदरजंग हॉस्पिटल में। आज हम प्रदेश के अंदर Level 1 का हमारे पास 1,16,000 बेड्स हैं, Level 2 और Level 3 के 65,000 से अधिक बेड्स हैं। अगले कुछ ही दिनों के अंदर हम 33,000 नए बेड्स उपलब्ध करा रहे हैं जिससे किसी भी पेशेंट के सामने दिक्कत न हो। आज के दिन पर हमारे पास जो एक्टिव केस हैं, वह प्रदेश में एक्टिव केस पूरे प्रदेश में हमारे पास 3,09,000 के आसपास इस समय हमारे पास एक्टिव केस हैं। और 3,09,000 एक्टिव केस होने के कारण इसमें से होम आइसोलेशन में जो लोग हैं, जो आपका अपने अपने घर में उपचार करा रहे हैं, उनकी संख्या है 2,38,000 और शेष जितने मरीज हैं ये लोग या तो सरकारी हॉस्पिटल्स में जो सरकार की व्यवस्था के अंतर्गत हैं या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल में अपना उपचार करा रहे हैं। मेरा आप सभी आयुष विशेषज्ञों से अनुरोध होगा, कुछ कार्य आपके स्तर पर हो सकता है और उसमें बहुत अच्छा योगदान आप दे सकते हैं। जैसे जागरूकता का एक कार्यक्रम, जागरूकता के कार्यक्रम में लोगों को बताना, और मैं सूचना विभाग से भी कहूंगा कि हर जनपद में आयुष की एक टीम लोगों को आयुष के नुस्खों के बारे में बताएं। इम्यूनिटी कैसे बढ़ सकती है, कैसे हम बता सकते हैं, जैसे बताया गया आयुर्वेद के विशेषज्ञों ने बताया, होम्योपैथ के विशेषज्ञों ने बताया, यूनानी के विशेषज्ञों ने बताया, हम ऐसे ही स्थानीय स्तर पर कि आयुर्वेद में किन किन चीजों का सेवन करने से हम व्यक्ति की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा सकते हैं, उसकी इम्यूनिटी को बढ़ाने में हम योगदान दे सकते हैं। एक, होम्योपैथ में कौन सी दवा है या कौन से ऐसे घरेलू उपचार हैं, ऐसे ही यूनानी में
यूनानी के भी जो बताए गए, यानी घर घर की रसोई में जो मौजूद है उससे भी हम स्वस्थ रह सकते हैं। कैसे रह सकते हैं, इसके बारे में अगर स्थानीय स्तर पर समाचार पत्रों में, सोशल मीडिया के माध्यम से, और इसके साथ ही अगर हम लोग विजुअल मीडिया यानी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी, टेलीविजन चैनल में भी हम इसके बारे में स्थानीय स्तर पर बताएं, तो एक लोगों को इसके बारे में जानकारी होगी। दूसरा मेरा आप सबसे अपील होगा कि जो मैंने आपको संख्या बताई कि 238,000 से अधिक लोग ऐसे हैं जिनको जो अपने घर में उपचार कर रहे हैं। हम लोगों ने पिछली बार इन लोगों को आयुष काढ़ा भिजवाया था। ये सभी लोग समाचार पत्र भी देख रहे हैं, टेलीविजन भी देख रहे हैं। क्या ये संभव है कि आयुष विभाग फिर से इन लोगों के घर में आयुष काढ़ा भिजवाने की व्यवस्था करे? आयुष काढ़ा जाएगा उन लोगों के पास एक तो आयुष विभाग के उस पर एक तो उनको विश्वास होगा, दूसरा आयुष कवच ऐप जो बनाया था, इस आयुष कवच ऐप के साथ जोड़ने की एक प्रक्रिया, और उनको इसके बारे में आयुष के जितने भी उसमें नुस्खे हैं, जितने भी उसके अन्य पद्धतियां, उनके बारे में लोगों को, जिनकी आयुर्वेद में रुचि होगी आयुर्वेद की पद्धति से, जिनकी होम्योपैथ में रुचि होगी होम्योपैथ से, जिनकी यूनानी में रुचि है और यूनानी के पद्धति के माध्यम से कैसे लाभान्वित हो सकते हैं, एक बड़ा कार्य इसके माध्यम से हम लोग कर सकते हैं और हमें इस दिशा में प्रयास प्रारंभ करना चाहिए। तीसरा, इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो लोग घर में हैं उनको हम बताने में योगदान दे सकते हैं। खासतौर पर हमारे बहुत सारे आयुष के चिकित्सक स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर के भी अपना योगदान दे रहे हैं। इंफ्रारेड थर्मामीटर, पल्स ऑक्सीमीटर, ये ऐसी चीजें हैं, सैनिटाइजर, जो इसमें बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं, खासतौर पर टेम्परेचर नापने के लिए, जिसमें इन्फेक्शन भी ना हो और इसके बारे में हम लोग जानकारी पता लगे कि किस व्यक्ति का टेम्परेचर ज्यादा है। दूसरा, पल्स ऑक्सीमीटर, किसी कोई पेशेंट है, कोरोना हो गया है, लक्षण नहीं आ रहे लेकिन उसका ऑक्सीजन लेवल गिर रहा है, 93-94 से कम अगर किसी का ऑक्सीजन लेवल गिर रहा है तो स्वाभाविक रूप से खतरे की घंटी है, तत्काल उसको हायर सेंटर में भेजने में हम लोग योगदान दे सकते हैं। तीसरा, अगर किसी चीज को छुआ, कोई भी व्यक्ति से हम अपील कर सकते हैं कि भाई देखिए सावधानी तो बरतनी पड़ेगी, और सावधानी के लिए जो प्रधानमंत्री जी ने बात की है कि मास्क जरूरी है, 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी, ये चीज हम अनिवार्य रूप से करें। अगर हम घर के 5 जो हाई रिस्क कैटेगरी है, 60 साल से ऊपर के लोग, 10 साल से नीचे के बच्चे, इसी प्रकार से गर्भवती महिलाएं, किसी बीमारी से ग्रसित जो लोग हैं, या जो कमजोर प्रतिरोधक क्षमता के यानी लो इम्यूनिटी से जुड़े हुए जो लोग हैं, ये 5 जो कैटेगरी है, हाई रिस्क कैटेगरी है, ये अनावश्यक घर के बाहर न निकलें, घर में भी रहते हैं तो मास्क लगा के रखें, या अगर लोग अनावश्यक घर के बाहर न निकलें, अगर निकलना ही हो तो मास्क लगा करके जाएं, दुकानदारों से भी हम कह सकते हैं मास्क और ग्लव्स का इस्तेमाल करें। ये चीजें अगर हम उनको बार बार बताते हैं और फिर अन्य चीजों के बारे में जागरूकता पैदा करते हैं, एक बहुत बड़ा काम हो सकता है, बहुत बड़ी जागरूकता की का एक अभियान चल सकता है, और इसमें आपकी बड़ी भूमिका होगी, क्योंकि आपके पास, आप में से हर चिकित्सक के पास पेशेंट लगातार आते रहे हैं, अन्य समय में भी आते रहे हैं, आपका उनके साथ जुड़ा होगा, टेलीफोन के माध्यम से भी आप बात कर सकते हैं, मीडिया के माध्यम से अपनी बात रख सकते हैं। स्थानीय स्तर पर हम लोग चाहेंगे कि आयुष के विशेषज्ञों को स्थानीय मीडिया में भी जगह मिले, टेलीविजन में भी जाएं, सोशल मीडिया के माध्यम से भी, आयुष कवच ऐप के माध्यम से भी अपनी बात को कह सकें। इन चीजों पर बहुत बड़ा कार्य हो सकता है, एक अवसर है ये परंपरागत पेथी के लिए कि जब हम लोग जनता के विश्वास को जीत सकें। और इसमें याद रखना, भारत के अंदर हेल्थ टूरिज्म का पहला जो मामला है वह हेल्थ टूरिज्म भारत के अंदर आयुष के माध्यम से आया है, आयुष उसका आधार बना था, हम लोग इसको आगे बढ़ा सकते हैं, बहुत आगे बढ़ा सकते हैं, बहुत संभावना है इसमें, और उस दिशा में एक प्रयास
हमें करना पड़ेगा, लोगों को जागरूक करने के लिए करना पड़ेगा। स्थानीय प्रशासन या हर जिले में इंटीग्रेटेड कोविड कंट्रोल सेंटर बने हुए हैं, उनके माध्यम से भी हम लोग इस दिशा में बेहतर प्रयास कर सकते हैं। ये एक अच्छा प्रयास इसमें हो सकता है। दूसरा, हम लोग इन चीजों को देखेंगे कि क्वारंटीन सेंटर जो बाहर से बड़ी मात्रा में प्रवासी कामगार और श्रमिक आ रहे हैं, वे अपने घरों को आ रहे हैं, उन प्रवासी कामगार और श्रमिकों के लिए सरकार ने व्यवस्था बनाई है कि ग्राम पंचायत में एक निगरानी समिति होगी और हर वार्ड में भी एक मोहल्ला निगरानी समिति होगी। ये निगरानी समितियां अपना काम कर रही हैं। हम लोग उनके संपर्क में भी रह करके, उनको कहा गया कि बाहर से कोई भी व्यक्ति आएगा हम उसकी जांच करेंगे, जांच कराने के बाद उन्हें क्वारंटीन सेंटर में रखेंगे, अगर कोई भी संदिग्ध है तो हम उसको क्वारंटीन सेंटर में रखेंगे। क्वारंटीन सेंटर में हम आयुष के काढ़ा की वहां पे काढ़ा उपलब्ध करवा सकते हैं, आयुष की जानकारी दे सकते हैं, अलग अलग विषय में लोगों को जागरूक करने का एक बेहतर कार्य कर सकते हैं। इसके साथ ही योग और आसन की भी, आसन और प्राणायाम की बड़ी भूमिका हो सकती है। याद रखना कि हम सामान्य लोगों को ये बोल सकते हैं, ये तो बता ही सकते हैं कि देखिए कोई भी अन्य उपचार महत्वपूर्ण होंगे, विशेषज्ञ चिकित्सा विशेषज्ञ जो कह रहे हैं आप उसका पालन करिए, लेकिन स्वस्थ लोगों को भी हम योगासन के लिए प्रेरित कर सकते हैं, प्राणायाम के लिए। प्राणायाम में एक सामान्य प्राणायाम जिसे अनुलोम विलोम कहते हैं, अनुलोम विलोम का भी अभ्यास कर सकते हैं, भ्रामरी प्राणायाम कर सकते हैं, लंबी और गहरी श्वास, अनुलोम विलोम के बाद लंबी और गहरी श्वास के साथ हम भ्रामरी प्राणायाम के लिए भी लोगों को इसके लिए कह सकते हैं कि अगर इसका अभ्यास करेंगे तो इसमें काफी जल्दी उनको यानी रिकवरी होगी या उनकी इम्यूनिटी बनी रहेगी, रोग का प्रहार नहीं होगा। बचाव के साथ साथ हमें इन चीजों पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा। अगर हम इस चीज को करते हैं तो काफी इसका लाभ होगा और लोगों के साथ इस प्रकार के संवाद के कार्यक्रम को अगर हम बनाते रहेंगे लोगों को बहुत अच्छा लाभ हो सकता है। मेरा आप सबसे अनुरोध होगा, मेरी यहाँ जो कुछ चीजें यहाँ पर बताई गई कि नॉन कोविड हॉस्पिटल के बारे में वो नहीं संचालित हो रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने व्यवस्था की है कि हर जनपद में कुछ नॉन कोविड पेशेंट के लिए भी व्यवस्था हो। जैसे लखनऊ में आप देख रहे होंगे हम लोगों ने ट्रामा सेंटर, SCPGI का ट्रामा सेंटर को हम लोगों ने कोविड हॉस्पिटल बनाया था। SCPGI के शेष हॉस्पिटल का उपयोग हम नॉन कोविड के लिए कर रहे हैं। ऐसे KGMU को हम लोगों ने टोटल KGMU को हम लोगों ने कोविड हॉस्पिटल के रूप में बनाने की कार्रवाई शुरू की है। लगभग 800 बेड्स वहां पे कोरोना मरीजों के लिए उपलब्ध कराए जा चुके हैं। लेकिन साथ साथ हमने एक व्यवस्था और की कि वहां पर ट्रामा सेंटर को हमने नॉन कोविड पेशेंट के लिए छोड़ा है कि कोई भी इस प्रकार के मामले आते हैं उन लोगों को वहां सुविधा मिल सके। ऐसे ही RML में भी, ऐसे प्रदेश के अन्य जनपदों में भी कुछ हॉस्पिटल्स हम लोगों ने नॉन कोविड पेशेंट के लिए छोड़े हैं, लेकिन वो इमरजेंसी के मामलों को लेकर, यानी हर व्यक्ति के लिए नहीं, कोई इमरजेंसी का मामला है उनको वहां सुविधा मिल सके, इन सभी चीजों के लिए सुविधाएं भी वहां पर देने का प्रयास हो रहा है। मेरा आप सबसे अनुरोध होगा कि आप सभी स्थानीय स्तर पर प्रशासन के साथ मिल करके तालमेल बिठा करके आयुष की पद्धति के बारे में भी लोगों को जानकारी दें, और खास तौर पर होम आइसोलेशन में रहने वाले जो लोग हैं, एक बड़ी संख्या होम आइसोलेशन में, या अन्य लोगों को भी इनके बारे में लगातार अगर जानकारी देते रहेंगे बहुत बड़ी संख्या में लोग लाभान्वित होंगे। और ये एक अवसर है कि महामारी के दौरान आपके द्वारा दी जाने वाली सेवा और आपके द्वारा किए जाने वाले प्रयास का परिणाम प्रदेश के अंदर देखने को मिलेगा। प्रदेश फिर बेहतर तरीके से कोरोना पर विजय प्राप्त करने के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो अभियान पूरे देश के अंदर चल रहा है उसमें उत्तर प्रदेश अग्रणी भूमिका के साथ इस पूरे कार्यक्रम में सहभागी बने, इसमें आपकी एक बड़ी भूमिका हो सकती है। और इसके लिए मैं आप सभी आयुष के विशेषज्ञों का आह्वान करूंगा कि कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में आम जनमानस को जागरूक करने में हम अपना योगदान दें, और आयुष से जुड़े हुए जो भी उपचार हैं, जो भी नुस्खे हैं इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, और अगर होम आइसोलेशन में जुड़े हुए जो होम घर में अपना उपचार कर रहे हैं उन लोगों को भी हम अच्छे तरीके से इसके बारे में बता सकते हैं। जैसे स्टीम लेना,
लाभदायक हो, हर एक पेशेंट के लिए लाभदायक है, और चाहे स्वस्थ हो या इस समय कोरोना के पेशेंट के लिए तो एक रामबाण है, बहुत बड़ी औषधि है। स्टीम लेकर के वह व्यक्ति, भाप लेकर के वह व्यक्ति बहुत, यानी काफी उसको रिलीफ हो सकता है, बहुत आराम हो सकता है। प्राणायाम से काफी लाभ है। तो हम लोग चाहेंगे कि इन चीजों के बारे में अगर हम सही ढंग से, तार्किक ढंग से हम बताएंगे, तो हमारे आयुष पद्धति के लिए जो परंपरागत पद्धति चिकित्सा पद्धतियां हैं, इनके लिए अपनी विश्वसनीयता बनाने और लोगों के मन में आस्था पैदा करने का एक अवसर है। हम इस अवसर से जरूर, इस अवसर का लाभ जरूर उठाएंगे, इस विश्वास के साथ कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में आप सभी लोग अपने अपने जनपद में स्थानीय प्रशासन के साथ मिल करके इस पूरे अभियान में अपना योगदान दें। आयुष विभाग के साथ संपर्क में आप लोग रहें, आयुष जो कवच ऐप बना है इसके माध्यम से अपना योगदान दें, और भी जिस भी प्रकार से प्रशासन और शासन आपके सहयोग की अपेक्षा करता है, इसमें अगर आप अपना योगदान दे सकेंगे तो कोरोना के खिलाफ देश की इस लड़ाई को मजबूती से हमें विजयी की ओर बढ़ाने में मदद मिलेगी। मैं एक बार फिर से आयुष विभाग को इस संवाद के कार्यक्रम के लिए हृदय से धन्यवाद दूंगा और विश्वास व्यक्त करूंगा कि पहली लहर में जो अच्छा कार्य आयुष विभाग ने किया था, इस दूसरी लहर में भी उसी प्रकार से एक प्रभावी कार्य आप सभी करके दिखाएंगे। आप सबके प्रति मेरी हृदय से अपनी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद। माननीय मुख्यमंत्री जी और यहाँ पे उपस्थित समस्त आयुष विभाग से जुड़े डॉक्टर्स, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो भी आदेश, निर्देश, मार्गदर्शन दिया है सर, हम लोगों ने उसको बिल्कुल नोट कर लिया है, और मैं इस पूरे विभाग के तरफ से और सारे डॉक्टर्स की तरफ से आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि हम पिछली बार से और आज अच्छा बेहतर प्रयास करेंगे सर, और अपना पूरा योगदान सुनिश्चित करेंगे सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हम लोग को समय और मार्गदर्शन दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।